देखो विद्या जो है ना वो विनय प्रदान करती है, विनम्रता जीवन में लाती है, विद्या ददाति विनयम। सारे लोग सारी चीजों के विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन कई बार व्यक्ति जो है ना वो अभिमान में इतना चूर कुछ लोग होते हैं, वो सब जगह अपना पैर फंसा करके रखते हैं। ये काम करवा ले, हाँ बोले मैं इस कर दू काम को मैं कर दूंगा, ये काम कर ले हाँ मैं कर दूंगा, और गड़बड़ कई बार इतनी हो जाती है कि करने वाला और कराने वाला दोनों किम कर्तव्य भी मूड हो जाते हैं। मैं निवेदन यह करने लगा हूं, जिसकी योग्यता जिस क्षेत्र में है वो बड़ी विनम्रता के साथ में उस क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ काम करे तो परिणाम भी बोलो अच्छे आएंगे, सुखद आएंगे। अभिमान व्यक्ति को जीवन के अंदर नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज से पूछा, आप विद्वान हो कि अविद्वान हो? ऋषि बोले, भाई जिन बातों को जानता हूं उनमें विद्वान हूं, और जिनको नहीं जानता उनमें अविद्वान हूं। सारी बातें सब नहीं जानते, लेकिन मैंने देखा है लोगों को एक क्षेत्र में सफलता मिल गई तो वो सोचते हैं कि सारे क्षेत्रों में सफलताएं मिलती चली जाएंगी, और फिर व्यक्ति बड़ी गलती कर बैठता है। अस्तु किसी और तरफ न निकल जाऊं, मैं वापस लौट करके आता हूं। संगी ऋषि संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ याज रचावा, पुत्र काम शुभ याज रचावा, पुत्र काम शुभ याज रचावा, पुत्र काम शुभ याज रचावा। हे राजन, इस यज्ञ को करवाने की योग्यता तो मुझ में नहीं है, फिर कौन करवाएगा इस यज्ञ को? तो गुरुवर वशिष्ठ ने कहा, राजन आपके एक मित्र हैं राजा रोमपाद, उनकी एक बेटी है शांता, उस शांता का विवाह जिनके साथ में हुआ है विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी महाराज, वो इस यज्ञ के वेत्ता हैं, वो इस यज्ञ के जानने वाले हैं। हे महाराज, उन ऋषि श्रृंग को बुला लीजिए, वो इस यज्ञ के ब्रह्मा पद को सुशोभित करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे, सब कामनाएं पूर्ण होंगी। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, सुयोग्य मंत्री परिषद थी राजा दशरथ के पास में, सात सात सुयोग्य मंत्री बहुत उच्च कोटि के विचारक राजा दशरथ के पास में थे। आर्य सुमंत जैसे विचार करने वाले कर्तव्य निष्ठ सदाचारी सज्जन धर्मात्मा मंत्री राजा दशरथ के पास में थे, लेकिन महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाने के लिए अपने किसी मंत्री को नहीं भेजा और किसी गणमान्य व्यक्ति को नहीं भेजा,
स्वयं चल करके गए हैं राजा दशरथ। वो जानते हैं कि एक विद्वान की गरिमा क्या होती है, एक विद्वान का मान, एक विद्वान का सम्मान क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं राजा दशरथ। और याद रखना, जिस काम की जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से भर करके प्रार्थना की जाएगी, उस काम की सफलता की गारंटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। किसी काम को अश्रद्धा से करेंगे, किसी विद्वान को अश्रद्धा से पुकारेंगे, मैंने देखा है लोगों को चुटकी बजा करके विद्वानों को प्रस्तुत करते हुए, आप आइए जी, सुनो, चलो पहुंचो, नंबर आ गया जी आपका। वो विद्वान आया था, आया था, वो ऐसा कर गया, इससे पता लगता है कि व्यक्ति ने सिद्धांतों की जानकारी भले ही कर ली हो, श्रद्धा की जानकारी अभी उसको नहीं हुई है, भाव उसके जीवन में, उसके मन में नहीं आए हैं। और एक बात याद रखना, किसी विद्वान के विषय में उपेक्षा के भाव में और आप अपने घर में बैठ करके करते हैं, रखते हैं, इससे उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मेरे परिवार में मेरी सेहत पर जरूर फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी, पापा बेकार में ही कहते हैं, बड़ी ऊंची बात कहते हैं। अरे जो ऊंची बात कहता है उसके लिए तो श्रद्धा के भाव मन में रख कर के बोला जाता है, लेकिन लोगों ने ये भाव, दूसरों की माफ करना, दूसरों की अंधश्रद्धा खत्म करते करते हमारे जीवन से श्रद्धा खत्म हो गई, श्रद्धा का सरोवर सूख गया हमारा। श्री राम के जीवन की कथा, ये जो महापुरुषों की गाथाएं हैं, ये मेरे और आपके जीवन को प्रेरित करती हैं, क्योंकि आदमी जैसी चर्चा सुनता है वह वैसा चिंतन करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है, शोध सामने आ रहे हैं। बच्चों को मारधाड़ की फिल्में दिखाई गई तो क्या करेंगे वो, बोलो जोर से बोलो, वो चाकू छुरे की बात करेंगे। जैसी चर्चा घर और परिवार में होगी वैसा वातावरण बनता चला जाएगा, वैसी सोच डेवलप होती चली जाएगी। घर में वेद मंत्रों का विचार कीजिएगा, वेद मंत्रों को बोलिएगा, तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चे वेद मंत्र बोलने शुरू हो जाएंगे। मैं अपने पिता के श्री चरणों में सर रख करके नमस्ते करूंगा तो कभी मुझे मेरे बच्चों को ये बताना नहीं पड़ेगा कि नमस्ते कैसे की जाती है, उनको आ जाएगी नमस्ते। अच्छा, मैं तो अकड़ा अकड़ा फिरूंगा और बच्चों को चाहूंगा ये देवता इंद्र की तरह से, जो है ना, देवराज इंद्र की तरह से ये बच्चे होने चाहिए, ये कैसे संभव है। मैं निवेदन करने लगा हूं, बड़े विनम्रता के भाव लिए हुए राजा दशरथ स्वयं गए हैं और जाकर के निवेदन पूर्वक श्रृंगी ऋषि जी महाराज को लिवा करके लाए हैं। और श्रृंगी ऋषि जी महाराज अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ में उनकी विदुषी धर्म पत्नी, उनकी सहधर्मिणी देवी शांता भी पधारी है। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, तीनों रानियों ने आरती का थाल सजा करके देवी शांता का स्वागत सत्कार किया है, अपने सौभाग्य को मनाया है, अपने सौभाग्य को मनाते हुए प्रसन्नता प्रस्तुत कर रही हैं राजा दशरथ की तीनों रानियां। जरा हम विचार करें, राजा दशरथ उनके चरण धुल रहे हैं घर पर ला करके, अपने महलों में बैठा करके, राज सिंहासन पर बैठा करके मुनि श्रेष्ठ के चरण धुल रहे हैं। जरा हम विचार करें,
हमने अपने घर पर कब किस विदुषी को बुला करके कभी आरती का थाल सजाया क्या? कभी दीपक जला करके अपने घर में अपने सौभाग्य को मनाया क्या? कभी किसी विद्वान को बुलाकर घुटने टिकाकर उसके चरणों में शीश नवाया क्या? और यदि नहीं नवाया तो माफ करना, हम सौभाग्यशाली तो नहीं हो सकते।